छठ का महापर्व हम बिहारियों के लिए बेहद ही खास है। कार्तिक महीना तो वैसे भी कई पर्वों का महीना है, लेकिन हम बिहारियों को सबसे ज्यादा छठ का इंतजार होता है। इस पर्व के साथ कई धार्मिक स्थल और मंदिरों की महत्ता भी जुड़ी है, जिनमें से एक प्रसिद्ध स्थान बिहार का मुंगेर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता ने पहला छठ पूजन गंगा तट पर मुंगेर में ही किया था। इसके प्रमाण स्वरूप आज भी यहाँ माँ सीता के चरण चिन्ह मौजूद हैं। ये चरण चिन्ह उस वक्त का है जब माँ सीता ने डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया था। आनंद रामायण में माँ सीता के चरण और मुंगेर का उल्लेख किया गया है। आनंद रामायण के अनुसार मुंगेर जिले के बपुआ घाट से 3 किलोमीटर की दूरी पर गंगा के बीच में स्थित पर्वत पर ऋषि मुद्गल के आश्रम में माँ सीता ने छठ पूजा की थी। आज वह स्थान सीता चरण मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो माता सीता के छठ पर्व की गाथा को आज भी संजोए हुए है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान राम वनवास से लौटे तो उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया था। श्री राम पर रावण के वध का पाप लगा था। यज्ञ से श्री राम को इस पाप से मुक्ति मिली थी। यज्ञ की सफलता के लिए वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें मुद्गल ऋषि के पास जाने की सलाह दी थी। वहां ऋषि ने माता सीता को छठ व्रत करने की बात कही। आनंद रामायण के मुताबिक रावण एक ब्राह्मण था, जिससे राम को ब्रह्म वध का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति के लिए मुनि वशिष्ठ ने राम सीता को मुंगेर भेजा। इस दौरान माँ सीता और श्री राम पहली बार मुंगेर आए थे। श्री मुद्गल ने राम को कष्ट हरणी घाट पर यज्ञ करने की सलाह दी और माँ सीता ने आश्रम में रहकर छठ व्रत किया। सूर्य देव की उपासना के दौरान माँ सीता ने अस्ताचल गामी सूर्य को पश्चिम दिशा में और उदयमान सूर्य को पूर्व दिशा में अर्घ दिया था। आज भी मुंगेर में माँ सीता चरण मंदिर के गर्भगृह में पश्चिम और पूर्व दिशा की ओर माँ सीता के चरणों के निशान मौजूद हैं। ये मंदिर साल के 6 महीने गंगा के जल में समाया रहता है और जल स्तर घटने पर ऊपर आता है। यहाँ छठ करने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छठ पर्व की शुरुआत के साथ पहला दिन नहाए खाए होता है। इस दिन व्रती कद्दू से बने कई व्यंजन दाल और भात खाती हैं। छठ पर्व का खरना दूसरे दिन होता है, जब व्रती महिलाएं केवल एक बार मीठा भोजन करती हैं। इस दिन चावल और गुड़ की खीर का प्रसाद बनाया जाता है। छठ पर्व के चारों दिनों का ही विशेष महत्व है। माना जाता है कि माँ सीता ने कार्तिक मास की षष्ठी तिथि पर भगवान सूर्य की उपासना मुंगेर के बबुआ घाट के पश्चिमी तट पर की थी। मुंगेर में माँ सीता चरण मंदिर का महत्व आज भी बना हुआ है और श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ माँ सीता के चरणों के दर्शन के लिए आते हैं। इस प्रकार छठ पर्व का संबंध माता सीता से जुड़ता है, जिन्होंने मुंगेर में पहली बार छठ पूजा की थी। ये पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने छठ से जुड़ी जो भी कहानी बताई है, वे सभी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक थी। अलग अलग जगहों पर छठ से जुड़ी और भी कई अलग अलग परंपराएं और कहानी व मान्यताएं हो सकती हैं। एक कहानी महाभारत काल से भी जुड़ी है, जहां द्रौपदी ने छठ किया था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आप छठ से जुड़ी इस कहानी को जानते थे? अगर हाँ तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।